सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पैटर्न पेंट करने जा रहे हैं, जो कि पैटर्न कुछ इस तरह टाइप का है कि हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर को प्रिंट कराना है अपने कंसोल पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपना फ्लो की बात करें ना, तो सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उसको कितना नंबर, कितने रो चाहिए। लेट्स से जैसे यहाँ पे अगर हम इस आधे को देखिएगा, ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको अच्छे से प्रिडिक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये दो अलग अलग बड़ाई से पैटर्न है। ठीक है, तो हमको ये दिख रहा है कि इसमें ऊपर वाले में कितना रो है, 1 2 3 4 5। नीचे वाले पैटर्न में कितना रो है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे कि यूजर तुम एंटर करो नंबर ऑफ रोज। यूजर वो मैसेज देखेगा, यूजर एक नंबर वड़ाई से यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जो कि होगा रो का वैल्यू। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, जैसे हम हर बार तक की तरह करेंगे, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। ठीक है, यूजर को ये मैसेज गया जब ये प्रोग्राम रन होगा। तो अब वो एक नंबर को इनपुट करने के लिए हम वो कीबोर्ड से इनपुट करेगा, तो उसको उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमको एक स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से, स्कैनफ जो है ना वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। उसका क्या वर्क है कि वो एक यूजर से एक यूजर जो इनपुट दे रहा है ना उसको स्टोर कराने का काम स्कैनफ फंक्शन का है। ठीक है, और ये बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन पैटर्न प्रिंट नाम का। ठीक है, इसमें हम क्या पास कर देंगे, ए वेरिएबल का वैल्यू। ए क्या स्टोर कर रहा है, ए स्टोर कर रहा है रो नंबर के वैल्यू को। ठीक है, और इसके बाद हम इस फंक्शन को कर लेते हैं डिफाइन, वॉइड पैटर्न प्रिंट इंट रो। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, हम हर बार की तरह आई और जे का वो सारे पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे जिसमें कि हमको पैटर्न चाहिए और जिसमें कि हमको पैटर्न नहीं चाहिए, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, आई लिखे जे लिखे। ठीक, तो आई का वैल्यू क्या क्या है, जब आई का वैल्यू हमारा 1 है तो जे के किस किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जब आई का वैल्यू बढ़ के 2 हो जा रहा है तो जे के किस किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, 2 पे चाहिए, 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद जब आई का वैल्यू बढ़ के 3 हो जा रहा है तो हमको जे के किस किस नंबर पे पैटर्न चाहिए, तो जे का क्या क्या वैल्यू, वैल्यू बोलिए नंबर बोलिए एक ही बात है, तो 3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए, 5 पे चाहिए। इसी तरह से हम जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तो हमको जे के किस किस वैल्यू पे पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो 4 पे चाहिए और 5 पे चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो जे के किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, सिर्फ 5 पे। ठीक है, अब ये काम, इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम एक दो नेस्टेड फॉर लूप अलग लिखेंगे। अब इस चीज़ के लिए अब हम यही काम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको फिर से आई और जे का पॉसिबल वैल्यू लिखना है, लेकिन अभी फिर से आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से। तो जे का कौन सा पॉसिबल वैल्यू है जहाँ पे पैटर्न चाहिए हमको, वो है 5। ठीक है, फिर आई का वैल्यू जब 2 हो गया तो जे के, नॉट दिस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आई का वैल्यू जब 2 हो गया तो जे के किस किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए, तो 4 पे चाहिए और 5 पे चाहिए। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर आई का वैल्यू जब 3 है तो जे के किस किस, हम सिर्फ वो सारा अरेंजमेंट लिख रहे हैं, वो सारा पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं जहाँ पे हमको पैटर्न चाहिए। उसके बाद हम इसको एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा, हमको पता एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जब भी इवेल्यूएट हो गया ट्रू हो जाएगा ना, या फिर कुछ वैल्यू आएगा, मोस्टली ट्रू ही आएगा, तो उस केस में हम पैटर्न प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो जब आज आई का वैल्यू 3 है तो जे के किस किस वैल्यू पे हमको चाहिए पैटर्न, 3 4 5 पे। फिर जब आई का वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगा ना तो जे के किस किस वैल्यू पे चाहिए हमको पैटर्न, हमको चाहिए 2 पे तो चाहिए ही चाहिए, 3 पे भी 2 पे चाहिए,
3 पे चाहिए, 4 पे चाहिए एंड देन 5 पे चाहिए। फिर जब i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 होगा, नॉट 4, 5 होगा, तो j के किस वैल्यू पे हमको पैटर्न चाहिए? 1 पे भी चाहिए, 2 पे भी चाहिए, 3 पे भी चाहिए, 4 पे भी चाहिए, 5 पे भी चाहिए। हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हम सिंपली हमारा फाइनल स्टेप जो लिखते हैं, अभी फाइनल स्टेप नहीं है, हम j को उस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि j का जो वैल्यू है ना 1 से ग्रेटर ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसी तरह हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लाइक वाइज j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो अगर हम इसको यहीं से देख लेना तो जनरलाइज हमारा हो गया है। तो ये जो है ना वैल्यू 1, 2, 3 कहाँ से हम फेच कर सकते हैं, जितना हमारे रो का वैल्यू है। तो इसको हम सिंपल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, इसको भी हम j के टर्म्स में लिखेंगे, j वैसे j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। अगर इसमें लिखना चाहेंगे इसके लिए तो क्या हमको दिख रहा है, 4 और 5 है तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक। फिर इसके लिए j ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। फिर इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या होगा, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और इसके लास्ट वाले के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसके लिए अगर एक रिलेशन हम लिखना चाहें तो क्या होगा, फिर हम इस प्रोग्राम को जनरलाइज भी बना देंगे, ठीक है। तो j ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखें हम, 5 लाना है हमको i के वैल्यू को के यूज से। तो अगर हमको दिख रहा है कि अगर 6 माइनस i हम करते हैं ना तो हमारा काम हो गया, ठीक है। क्यों, i का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, ठीक है। 6 माइनस 1 हमको पता है 5 होता है, तो j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, यही चीज़ हमको चाहिए, हो गया हमारा काम। फिर i का वैल्यू जब 2 है तो फिर इस फॉर्मूला पे गए, j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो गया, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यही दो स्टेप हमको लिखना है। अब इस चीज़ को हम रिकर्सन से करें कि लूप से करें, तो सबसे पहले हम रिकर्सन से ही करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे 1 पास कर देते हैं, ठीक है, इंट ए। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, ये हमारा बेस केस है। इफ़ अगर मान लीजिए ए बराबर हो जा रहा है रो प्लस 1 के ना, तो उस केस में भाई आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। एल्स में क्या करो, एल्स में हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट j असाइन 1, j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो j प्लस प्लस, और इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है एंड j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 माइनस i है ना, तो 6 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जनरलाइज बना रहे हैं, रो का वैल्यू 5 है, 6 लाने के लिए क्या करेंगे, रो प्लस 1, डेट्स इट। रो प्लस 1 माइनस i अगर है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से इस पैटर्न को प्रिंट करके ख़त्म मेरा काम। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको दिख रहा है कि हम कहीं पे पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं और कहीं पे स्पेस भी हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिंपली प्रिंट ऑफ स्पेस, इस फॉर लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद न्यू लाइन, इस फॉर मतलब ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे कंट्रोल को न्यू लाइन में आना है, इसीलिए हमको पता है बैक स्लैश एन फंक्शन के हेल्प से हम, नॉट फंक्शन, बैक स्लैश एन कैरेक्टर के हेल्प से हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। इतना कर लेने के बाद हम ए में इंक्रीमेंट करके इस फंक्शन को कर देंगे कॉल, रो का वैल्यू पास करेंगे और ए का वैल्यू पास करेंगे, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी रहना है चाहिए, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कुछ एरर आ गया, ओके ओके, हम ए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको लिखना होगा ये, ठीक है। छोटे छोटे मिस्टेक को से बचना है हमको, ठीक है। फिर कुछ एरर है, आई किधर, ओहो वेट वेट, ये कमेंट नहीं हुआ था ना,
चलो ठीक है, एंटर एनी नंबर, मतलब वो पूछ रहा है रो का कुछ नंबर बताओ, ठीक है। तो वेट अ मिनट, हम 5 देते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा आउटपुट रॉन्ग आया है क्या? हाँ रॉन्ग तो आया है, ठीक है। ये क्या पैट क्या प्रिंट हुआ हमको बता सकते हैं आप? देखिए अभी कितनी बड़ी गलती होगी हम सबसे, ठीक है, सॉरी मेरे से। अभी जो हम फार्मूला डिराइव किए ना, ठीक है, तो ये था दूसरे वाले रो के लिए, दूसरे वाले इसके लिए, यहाँ से लेके इस वाले पैटर्न के लिए था, ठीक है। अगर आप इसको रन करेंगे ना तो सही आएगा, देखिए, ठीक है। हमें कंडीशन वहीं पे लिख दिया, तो इतना आधा पैटर्न तो हमारा प्रिंट हो गया। अब आधा पैटर्न प्रिंट करने के लिए हम कुछ नहीं, हम फिर से अलग से एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। पूछिए क्या, हम वेट अ मिनट, ये लूप चलने के बाद ये रिकर्शन हो रहा है, ठीक है। आई जे साइन 1 जे लेस देन इक्वल्स टू रो, ठीक है। फिर एक कंडीशन लगाए, ये सेटिस्फाई हुआ तो हम पैटर्न प्रिंट किए, ठीक है। तो लूप रो का वैल्यू चलने के बाद, ओके, पार्ट में लूप चला 1 इतनी बार, उसके बाद फिर हम इनिशियल में रो का वैल्यू 5 है, ठीक है। वेट, इसको हम एक काम करते हैं, ठीक है, सेम पीस ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। दो फंक्शन कॉल अगर लग ही जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। इसको हम एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं, पैटर्न प्रिंट अंडरस्कोर, ये नहीं, प्रिंट अंडरस्कोर कुछ अच्छा सा नाम, पैटर्न प्रिंट यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। बस हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन पे है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, बस हम इस कंडीशन को चेक को ये वाला जो लिखे है ना इसी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस कंडीशन में चेंजेस होगा, बाकी हमारा जो भी लॉजिक लिखे है ना वो कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 6 के जगह हम क्या, थोड़ी देर पहले फार्मूला जनरेट किए थे, रो प्लस 1 माइनस आई, ये हो जाने के बाद ये, आइए इसको रन करके देखते हैं क्या एरर आया। रीडेफिनेशन ऑफ पैटर्न प्रिंट, ओके, अच्छा नाम में चेंजेस तो होगा ना, जो क्लास हो जाएगा, ठीक। फिर से इस फंक्शन को कॉल की, यहाँ पर भी चेंज करना होगा, अंडरस्कोर रिकर्शन, इसमें हम रो पास कर रहे हैं और ये पास कर रहे हैं, चलिए अब ठीक है, ठीक है। फिर कुछ एरर है क्या, जे ग्रेटर देन माइनस ए ना, ठीक है, यही हो जाता है, लॉजिक हमारा सही रहता है, बट इम्प्लीमेंटेशन अगर यही चीज़ लूप से करते तो एक ही इटरेशन इटरेटिव वे में करते तो एक ही फंक्शन में हम दोनों लूप लगा के कर सकते, लेकिन रिकर्शन में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमको बारी बारी से दोनों के लिए काम करना पड़ा, ठीक है। तो जैसा कि अगर हमको दिख रहा है तो हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही प्रिंट हो गया, ठीक है। यही ऐसा ही पैटर्न हम आपको दिखा देते हैं, ऐसा ही पैटर्न हमको प्रिंट कराना था, ठीक है। आई का वैल्यू जब, रो का वैल्यू जब 5 है तो बिल्कुल सही हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब इस चीज़ को अगर हमको ये रिकर्शन ना करके, क्योंकि हमको पता है रिकर्शन का, रिकर्शन जब हम करते हैं तो वो स्टैक लेता है, ठीक है, और इसी चीज़ को हमको इटरेशन से करना रहता तो कैसे लिखते हैं, पैटर्न प्रिंट, ठीक है, यूजिंग लूप, इस रो का वैल्यू को पास करते हैं, इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन, वॉइड पैटर्न प्रिंट यूजिंग लूप। ऐसे भी लूप का ना, अगर हम कोई भी काम लूप से करते हैं इन कंपैरिजन विद रिकर्शन, तो एफिशिएंट हमारा लूप ही होता है, क्यों,
क्योंकि रिकर्शन बार बार खुद को कॉल करता है ना, तो एक रिकर्शन स्टैक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जितना फंक्शन कॉल होगा उतना स्टैक ग्रो करेगा, ठीक। तो मेमोरी वाइज उतना एफिशिएंट रिकर्शन नहीं होता है छोटे छोटे काम के लिए, ठीक है। बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ना हम रिकर्शन यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ओके। तो हमको रिकर्शन भी आना चाहिए लिखने के लिए और इटरेटिव कोड भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, और इंट आई असाइन वन सेम पीस ऑफ कोड आई लेस देन इक्वल्स टू रो आई प्लस प्लस। इतना वीडियो हो जाने के बाद अब हमको नहीं लगता कि आपको पैटर्न प्रिंटिंग में कोई दिक्कत आना चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो आप खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको का प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो अगर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है ना, उस केस में हमको सिंपली ये स्टार प्रिंट करना है, एल्स क्या प्रिंट कर देना है भाई, स्पेस प्रिंट कर देना है, ठीक है। एक ये इटरेशन कंप्लीट होने के बाद हमको फिर से बैक स्लैश एन करेक्टर के हेल्प से क्या प्रिंट कर देंगे, हम सिंपली प्रिंट करा देंगे न्यू लाइन, ठीक है। इसी पीस ऑफ कोड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे अपना मड़ाई से जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो प्लस वन माइनस आई हो गया, रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर एनी नंबर, ठीक, 5 दिए, क्या आउटपुट है, तो जो हमारा जैसे रिकर्शन प्रिंट कर रहा था वही काम हमारा लूप भी कर रहा है। लेकिन रिकर्शन में एक प्रॉब्लम हो गया कि हमको इस चीज़ को अगर करने के लिए ना सेम पीस ऑफ कोड को लिखने के लिए बार बार फंक्शन कॉल कराना पड़ जाएगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम है जिस वजह से हमको दो बार रिकर्सिव कोड लिखना पड़ा और दो बार इसको मेन फंक्शन से कॉल लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने में समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ईजी था। हमको क्या करना है, जो भी पैटर्न हमको गिवन है ना, हम उसको सिंपली ड्रॉ करके उसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसको मैथमेटिक्स के हेल्प से सॉल्व करके इफ और एल्स एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये है तो आप पैटर्न प्रिंट कर दो, क्योंकि हमको दिख रहा है दो चीज़ प्रिंट हो रहा है, एक हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, एक हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पे पैटर्न प्रिंट हो रहा है, तो बस हमको उसी चीज़ को देख के अपना फार्मूला को जनरेट कर देना है, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम रिकर्शन वाला कोड को भी अगर कमेंट आउट करते हैं ना, तो एक ही बात होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमारा कोड ले लेगा, बट वर्थ होगा वो, ठीक है। देख लीजिए हमारा पैटर्न कितना सुंदर प्रिंट हो गया, ठीक है। एक मिनट, जब लूप से प्रिंट हो जाने के बाद आप क्या करो, प्रिंट एफ फंक्शन के हेल्प से थोड़ा सा उसमें स्पेस दे दो जिससे कि हमको क्लियर समझ में आए, ठीक है। एंटर एनी रो 4 ही देते हैं, जगह बराबर आके क्या ही करना, ठीक है। ये हमारा रिकर्शन प्रिंट कर दिया, ये हमारा लूप वाला इटरेटिव कोड ने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह देखें कि अगर हमको एक पैटर्न प्रिंट करना है तो हम रिकर्शन और लूप के हेल्प से कैसे करेंगे। बस ये बेस केस जो हम रिकर्शन में लिखे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम जब रिकर्शन में बेस केस क्या है, बेस केस ही रिकर्शन को बताता है कि अब तू रुक जा, अब खुद को बार बार कॉल मत करो, ठीक है। ये इसका बेस केस है। जैसे हम लूप में लिखते हैं ना कंडीशन, कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक लूप चलाओ, ठीक है। उसी तरह ये हमारा ये रिकर्शन का ये बेस केस है कि जब तक ए का वैल्यू रो प्लस वन के इक्वल नहीं हो जाए तब तक रिकर्शन खुद को कॉल करते रहो, ठीक है। और ये छोटा सा सबटास्क हम रिकर्सिव कोड के अंदर परफॉर्म किए। तो आज तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आपको इस वीडियो को दिखने और समझने में दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, हम आपको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे हम करते हैं। इस चैनल को बस बड़ा ही से ग्रो करना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।